हेलो हेलो काइजर, आज मेरा सपना पूरा हो चुका है। मेरे बचपन का सपना एक मिलिट्री वाला बनने का सपना अपना आज पूरा हो चुका है और मैं बन चुका हूँ एक मिलिट्री ऑफिसर। आप देख सकते हो अभी मैं आया था मिलिट्री बेस पर और मैं ऑफिशियली मिलिट्री ऑफिसर बन चुका हूँ। तो काइजर आप देख सकते हो मेरी ड्रेस कितनी ज्यादा खतरनाक है और आज के बाद हम लॉस सैंटोस की रक्षा करने वाले हैं। और मुझे पता चला जब मिलिट्री ऑफिसर बनते हैं तो हमें खतरनाक सी मिलिट्री व्हीकल भी मिलती है। तो अभी जाके मैं देखने वाला कौन सी मिलिट्री की व्हीकल हमें मिलने वाली है। मुझे लगता है कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है जिसमें यार बड़े बड़े वेपन्स लगे होंगे, बहुत ही ज्यादा तेज चलती होगी और वो गाड़ी सही में बहुत ही खतरनाक होने वाली है। चलो फटाफट चलते हैं और ये सर हमें देने वाले हैं। हेलो सर, मैं बन चुका हूँ मिलिट्री ऑफिसर, अब मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। बहुत बढ़िया, तुम बन चुके हो मिलिट्री ऑफिसर, तुम्हें इस लॉस सैंटोस की रक्षा करनी होगी। तुम्हें तुम्हारी गाड़ी जरूर मिलेगी, ये लो तुम्हारी गाड़ी। क्या ये? अरे सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसी गाड़ी जिसमें खतरनाक वेपन्स और बहुत ही तेज चलती हो। अरे अरे बच्चे, तुम अभी मिलिट्री ऑफिसर बने हो, तुम्हें ये सब नहीं मिल सकता। अरे ऐसा तो ना होता है, मैं तो मिलिट्री ऑफिसर इसलिए बना था ताकि मुझे खतरनाक गाड़ियाँ मिले। बच्चे तुम्हें खतरनाक गाड़ियाँ मिल सकती है पर तुम्हें उनके लिए काम करना पड़ेगा। जितने ज्यादा अच्छे अच्छे काम करोगे मिलिट्री ऑफिसर बनके, उतनी बार तुम्हारी गाड़ियाँ अपग्रेड होगी। जाओ लॉस सैंटोस में क्राइम रोको, जितने ज्यादा क्राइम तुम सॉल्व करोगे उतनी तुम्हारी गाड़ी अपग्रेड होगी। अभी तुम्हें यही गाड़ी मिलेगी। अच्छा ठीक है, तो काइजर अभी हमारे ऑफिसर ने हमें बोला है हमें करने पड़ेंगे अच्छे अच्छे काम। जितने ज्यादा अच्छे काम मैं करूंगा, लॉस सैंटोस वालों की मदद करूंगा, क्राइम रोकूंगा, उतनी ज्यादा मेरी गाड़ी अपग्रेड होने वाली है। पर अभी तो मुझे ये खटारा सी जीप मिल चुकी है। ये जीप सही में बहुत ही ज्यादा खटारा है, आप देख सकते हो भाई ये कैसे चल रही है। ना इसके अंदर कोई वेपन है, ना ये फास्ट चलती है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सी गाड़ी है। और मेरा गोल है कि मैं ऐसी गाड़ी तक पहुंच जाऊं जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री व्हीकल हो, और वो हम करके आएंगे। बस हमें लॉस सैंटोस में क्राइम रोकने पड़ेंगे। तो चलो फटाफट चलते हैं, क्राइम रोकते हैं ताकि हम दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री व्हीकल ले पाए। चलो फटाफट से चलते हैं, आज हमारा सबसे पहला दिन एज अ मिलिट्री ऑफिसर। पूरे के पूरे लॉस सैंटोस की रक्षा अब हमें करनी है। लॉस सैंटोस को बचाने में आ रहा हूँ। तो काइजर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और लॉस सैंटोस में क्राइम रोकना है। पर मैं करूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा क्राइम रोकने के लिए। एक सेकंड, अरे भाई साहब क्या हो गया? अरे भैया वो मेरी गाड़ी चुरा के चल गया, पकड़ो उसको। क्या आपकी बाइक चुरा ली? अंकल अब टेंशन मत लो, मैं उसको पकड़ लूंगा। चलो काइजर फटाफट से पुलिस स्पीड में चलते हैं। ये मिलिट्री वाली गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा स्लो है और वो बाइक बहुत ही ज्यादा फास्ट है, पर मैं उसको पकड़ के रहूंगा। रुक जा चोर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मुझे अपनी गन का यूज करना पड़ेगा। ये ले। और ये क्या, क्या ही खतरनाक शॉट मारा मैंने, ये यहाँ पर आके सीधा गिर चुका है। ये था वो चोर जो कि वो बाइक चुरा के जा रहा था और अभी मैंने इसको मार दिया है। हाँ भाई चोर, अगली बार चोरी करेगा। तो काइजर अभी मैंने उनकी बाइक को बचा लिया चोरी होने से, मतलब लॉस सैंटोस का सबसे पहला क्राइम हमने होने से बचा लिया है। अब फटाफट से इस बाइक को वापस उनको डिलीवर कर देते हैं। अब ये बाइक भी उस मिलिट्री वाली व्हीकल से ज्यादा फास्ट है। मैं सोच रहा हूँ ये बाइक ही रख लूं, पर मुझे इनको वापस से बाइक तो देनी पड़ेगी। ये लो अंकल आपकी बाइक। अरे भैया बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो काइजर आज का हमारा सबसे पहला काम हमने कर दिया है एज अ मिलिट्री ऑफिसर। अब हम जाने वाले मिलिट्री बेस पे और जो हमारे सर है उनको बताएंगे कि हमने एक क्राइम रोक दिया और फिर वो हमें अगली नई गाड़ी देने वाले। चलो फटाफट से चलते हैं। सर मैं आ गया। क्या हो गया ऑफिसर, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि मैंने अपना सबसे पहला मिशन पूरा किया, मैंने एक बाइक चोरी होते हुए बचा ली और उस बाइक को उसके ओनर के पास वापस दे दिया। मैंने अपना पहला क्राइम रोक लिया है। बहुत बढ़िया ऑफिसर, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ये खतरनाक सी रैंप बगी होती है तुम्हारी। ओके ऑफिसर, थैंक यू ऑफिसर। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हमें मिल चुकी है हमारी रैंप बगी और ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये मैंने आज तक सिर्फ मिलिट्री वालों के पास देखी थी और आज ये मेरे पास भी आ चुकी है। आपको भी दिखाता हूँ इसमें क्या होता है, कितनी ज्यादा ये पावरफुल और खतरनाक है। हमें पहले नॉर्मल गाड़ियों को ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पर ये सारी गाड़ियां आ रही है।
अब देखना ये 1, 2, 3 ये देखो भाई सबके साथ हवा में उड़ गई और मैं भी हवा में उड़ गया। अभी आपको वापस इसको यूज करके दिखाता हूँ। सामने से ये गाड़ी आ रही है, इसको टच करेंगे और वो देखो पता नहीं कहाँ चला गया। एक और गाड़ी आ रही है, इसको भी टच करेंगे, वो देखो अभी लैंड हुआ। अभी इसको भी बराबर टच करते हैं, बूम, और ये भी हवा में चली गई। ये रैंप की सही में बहुत ही खतरनाक है, फिर से हवा में उड़ गई। वापस हवा में उड़ाएंगे, 3, 2, 1 और ये सीधा हवा में। ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल धीरे से टच करेंगे, ये धीरे से। ये देखो भाई धीरे से टच करने में भी कितनी ज्यादा ऊपर जा रही है। इसको टच कर गया, बूम, फुल स्पीड में भिड़ने वाला हूं। फिर देखते हैं उस गाड़ी के साथ क्या होता है, जो कि होने वाली है ये ट्रक। और और मैंने उस ट्रक को हवा में उड़ा दिया। आप देख सकते हो वो ट्रक अभी भी हवा में, और ये आ गई ट्रक नीचे। तो कैसे ये रैंप बगी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पहले वाली जीप सही में बहुत ही बेकार थी, पर ये सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे हम कुछ भी कर सकते हो। भाई साहब उसको बैठ दिया, अब तो मैं रॉन्ग साइड पे चलाऊंगा सबको उड़ाते उड़ाते। पर एक सेकंड, मैं सब लोगों को मार नहीं सकता, मैं एक मिलिट्री वाला हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे क्राइम करना नहीं है, मुझे क्राइम करने से रोकना है सबको। तो चलो कैसे हमें अपनी दूसरी गाड़ी मिल चुकी है, अब मिल जाएगी वो तीसरी मिलिट्री की व्हीकल, और वो जब मिलेगी जब हम एक और क्राइम रोकेंगे। तो फटाफट से और भी बहुत सारे क्राइम रोकते हैं ताकि हम दुनिया के सबसे खतरनाक मिलिट्री ऑफिसर बन जाएं। तो कैसर अभी हम निकल चुके अपने अगले क्राइम को ढूंढने के लिए, हमें एक और क्राइम रोकना है ताकि हम अपग्रेड हो सके अपनी अगली बाइक में। और यहाँ पर क्या चल रहा है, एक सेकंड, अबे ये क्या, अबे गोली मारने लगे, अबे ये लोग पागल वागल है क्या, मुझे क्यों गोली मारो ये लोग। और कैसर लगता है कि मुझे पुलिस भी पड़ी हुई है। मिलिट्री ऑफिसर हमारी मदद करो, ये लोग बहुत खतरनाक है। पुलिस वाले सर आप टेंशन मत लो, मैं आपकी मदद करूंगा। अरे कैसर ये तो गोल गोल घूम के मेरे को मार रहे हैं, रुक जाओ अभी एक अपनी गाड़ी से इनको उड़ा देता हूँ। ये तू नहीं बचेगा, रुक जा, अरे मेरे को क्यों मार रहा है, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, ये लो। तो कैसर मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पे अपनी फटाफट से गाड़ी को रोकते हैं। रुक जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये लो ये ले तू भी ले। रुक जाओ मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, यहाँ पर इनके मुंह पे बॉम्ब फेंकते हैं, अब ये सब के सब लोग मरने वाले हैं। पुलिस वाले सर गाड़ी से दूर हो जाओ, 3, 2, 1 बूम, और कैसर आप देख सकते हो हमने सबको फोड़ डाला। अबे ये अभी तक जिंदा है, अबे जाकर टकले सो जा नीचे। तो कैसर अभी हमने इसको भी खत्म कर दिया और हमने एक और क्राइम होने से बचा लिया और पुलिस वालों की मदद भी कर दी है। ऑफिसर बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो कैसर हमने एक और क्राइम रोक लिया और ये बहुत ही ज्यादा इजी था क्योंकि हमारे इतनी खतरनाक गाड़ी है। मुझे लगता है कोई गाड़ी वाड़ी चोरी हो रही थी और उनको पुलिस वाले रोक रहे थे, पर मैंने पुलिस वालों की मदद करके उस गाड़ी वालों को रोक दिया है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैम क्या हो गया आपको? सर 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 प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे घर पर बहुत सारे गुंडों ने अटैक कर दिए। क्या आपके घर पर, कहाँ है आपका घर? सर ये सामने मेरे घर है, मेरे घर के छत पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और वो उधर बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं। क्या बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं? मुझे उनको रोकना पड़ेगा, कहाँ पर है जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। तो कैसर इस वाली छत के ऊपर लगता है गुंडों ने अटैक कर दिया है, तो मुझे इस छत के ऊपर जाना पड़ेगा। पर जाऊँ कहाँ से, यहाँ से चढ़ते ऊपर फटाफट से, मुझे उनको कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। रुक जाओ गुंडों में आ रहा हूँ। तो कैसर अभी अपन यहाँ से चढ़ने वाले हैं ऊपर। एक सेकंड ये भाग कर रहे हैं, ये तो वही है, रुक जा तेरी तो ऐसे की तैसी ये ले। और ये तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अबे ये इतने सारे लोग कहाँ से गए, भागो यहाँ से इतने सारे लोग, ये ले। वो तो अच्छा है मेरे मिलिट्री की पूरी कॉस्ट्यूम पहन रखी, तो मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, इन सबको फटाफट से मारते हैं, यहाँ पर तो सही में बहुत ही ज्यादा लोग हैं। अरे भागो ये तो सही में बहुत ही ज्यादा है, अबे तेरी जाना साइड जा, ये ले फटाफट से इसको भी मारते हैं। ये मुझे मारे जा रहा है, बैट से मारे जा रहा है, और भी बचा है ना, ये ले टकले तू भी ले। और कोई बचा है क्या? रुक जाओ यहाँ पर दो जने और दिखाई दे रहे मुझे, इनको मैं अपनी खतरनाक मेरी गन से मारने वाला। ये लो यहाँ पर एक और बचा है। तो कैसर मैंने अब इन सब को खत्म कर दिया है और इधर सबको बचा भी लिया है। आंटी जी आप टेंशन मत लो, मैंने आपको बचा लिया है, उन सभी लोगों को मार दिया। मेरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत ही अच्छे मिलिट्री ऑफिसर हैं। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो कैसर अभी मैंने एक और क्राइम रोक दिया, मुझे तो सिर्फ एक ही क्राइम रोकना था, पर मैंने दो दो क्राइम रोक दिए, एक तो पुलिस वालों की मदद करी गाड़ी बचाने में, और इन आंटी के घर पर गुंडों ने जो अटैक किया था उनको भी हमने मार दिया। तो अभी मैं जाने वाला फटाफट से
मिलिट्री बेस और मुझे मिलने वाली अपनी अगली मिलिट्री कार। और इस बार की कार मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। चलो फटाफट से चलते हैं मिलिट्री बेस पर। सर सर सर, मैं वापस से आ चुका हूँ। मैंने लॉस सेंटोस में और भी क्राइमों को रोका और बहुत सारे लॉस सेंटोस वासी की मदद करी, पुलिस वालों की मदद करी। बहुत बढ़िया ऑफिसर, तुम बहुत ही अच्छी तरह मिलिट्री ऑफिसर बनते जा रहे हो। पर मेरी बात सुनो, मुझे अभी अभी न्यूज आई है लॉस सेंटोस के सबसे बड़े बैंक में चोरी हो रही है। तुम्हें जाके उस चोरी को कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। या सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये लो तुम्हारी अगली व्हीकल, तुम इसमें जाओ और उन सब चोरों को चटनी चटा दो। ओके सर। एक सेकंड, ये क्या व्हीकल है? ये कितना अजीब सा दिखने वाला, क्या चीज है? बच्चे ये टैंक है, टैंक, बैठ के देखो। अच्छा ठीक है। तो काइजर, अभी मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ और ये कुछ अजीब है मेरे हिसाब से तो। पर रुक जाओ, इस बटन को दबा के देखते हो। भाई साहब, ये तो बुलेट्स मार रहा है, ये तो बहुत ही कूल। मैंने मिलिट्री वालों का टैंक ही फाड़ा था। चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो कहे सर, ये वाला टैंक तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हो उसमें कैसे गोलियां निकले जा रही है। वो भाई साहब, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और कहे सर, मुझे अभी पता चला है ये जो मेरा टैंक है वो आग भी निकालता है। आप देख सकते हो फ्लेम थ्रोअर की तरह ये काम कर रहा है। ये वाला टैंक तो बहुत ही छोटा है पर बहुत ही खतरनाक है। चलो फटाफट से लॉस सेंटोस के बैंक में रॉबरी को रोकते हैं। तो कहे सर, अभी मैं लॉस सेंटोस के सबसे बड़े बैंक में पहुंच और यही तो मेरे को मैं देखते ही मारने लग गया। अब मैंने अभी तो कुछ किया भी नहीं, देखते ही क्यों मारने लग गया। चलो फटाफट से पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक के अंदर घुसते हैं। मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है? लगता है मैं इस गाड़ी पे नहीं जा पाऊंगा, मुझे डायरेक्ट अंदर ही घुसना पड़ेगा। चलो फटाफट से अंदर घुसते हैं। बूम, ये ले तेरी तो ऐसी की तैसी, सबको मार दूंगा। ये ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। अबे तेरी तो ये ले। अरे ये कौन आ गया, मारो उसको, मारो। तुम में से मुझे कोई नहीं मार पाएगा। अबे तेरी ये भी ले। तो कैसर, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे टेररिस्ट घुस गए। एक सीन ही अंदर ये कर रहा है। चलो कैसर, फटाफट से अंदर घुसते हैं और इन सबको खत्म करते हैं। मिलिट्री, हट जाओ, तेरी तो ये ले। रुक जाओ, यहाँ पर मुझे एक और दिखा था, ये रहा, इसको भी फटाफट से मारते हैं। तो गाइजर, अब मेन लॉकर के आगे बहुत ही ज्यादा लोग हो सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल ढंग से जाना पड़ेगा। ये क्या, ये लोग तो खुद ही आपस में लगता है मर चुके हैं। मैं, तू क्या कर रहा है इधर? ये आधे लोग यहाँ पर खुद ही मर गए। डरा मत भाई, ऐसे कौन डराता है। ये सारे के सारे लोगों ने खुद ही आपस में लड़ लिए, ऐसा क्यों? ओ एक सेकंड, एक सेकंड, मैं समझा ऐसा क्यों। ये सब आपस में इसलिए लड़ लिए क्योंकि इनको गोल्ड चाहिए था। ये आए तो पूरी गैंग बना के थे कि सब आपस में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे, पर ये आपस में लड़ने की जो जिंदा बचेगा वो सारा का सारा गोल्ड लेके जाएगा और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। और ये सारा गोल्ड मैं रखने वाला हूँ। मजाक करो, मैं मिलिट्री वाला हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता। तो ये गोल्ड तो जिसका है वो ही खुद ही रखेगा। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा काम हो चुका है। मैंने सारी की सारी रॉबरी रोक दी है और इन लोगों के ऊपर थोड़ी आग भी लगा दी, तो यार मजा आता है ये सब करने में मेरे को। रुक जाओ, इससे भी अच्छा मेरे पास आइडिया है। इस पेट्रोल को यहाँ पे लेके चलेंगे और इस पूरे बैंक को ही फूंक डालते, भाई मजा आ जाएगा। चलो फटाफट से लेके चलते, सारे के सारे लोग यहाँ पे चोरी करने आए थे वो ऐसे ही मर जाएंगे। मैं यहाँ पर पूरी की पूरी पेट्रोल की लाइन लेके जाने वाला हूँ बाहर। चलो 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 बाहर, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। पूरे के पूरे बैंक में ये लाइन जाने वाली है पेट्रोल की। जैसे ही मैं इस पे माचिस की तिल्ली गिरेगी, ये पूरा का पूरा जलने वाला है। चलो चलो फटाफट से कर देते हैं। और ये हमारा पेट्रोल हो चुका है यहाँ पर डन। अब मारेंगे इस पे एक गोली और ये आग लगना शुरू हो चुकी है और ये आग जाने वाली है सीधा अंदर तक। चलो, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, हमने एक खतरनाक सी बैंक रॉबरी को रोक दिया है। और गाइस, हम यहाँ से निकल चुके, अपना काम करके हमने एक और क्राइम रोक दिया। और ये क्राइम सही है, बहुत ही बड़ा था और ये फ्लेम थ्रोअर मैंने टेस्ट नहीं किया था। इनके ऊपर चला के देखते हैं, ये सब के सब लोग तो डरने लग गए। ये वाला टैंक यार सही में बहुत ही अच्छा है, पर इससे भी खतरनाक होता है जो कि असली मिलिट्री का टैंक है। मुझे वो भी चाहिए यार, वो टैंक सही में बहुत ही खतरनाक होता है। जो मिसाइलें निकलती है उसमें बड़ी बड़ी, वो भी हमें कभी ना कभी तो मिलेगा। चलो फटाफट से मिलिट्री ऑफिसर के पास चलते हैं और अपनी अगली गाड़ी उनसे लेते हैं। सर सर सर, मैं वापस आ गया। बच्चे, मुझे पता चल गया, तुमने उस बैंक रॉबरी को रोक दिया। तुम इन चारों में से कोई सी भी गाड़ी ले सकते हो। क्या, इन चारों में से कोई सी भी गाड़ी ले सकता हूँ? यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक मिलिट्री व्हीकल है। कैसे, आपको याद होगा जब मैं पहली बार आया था तो मुझे कितनी खटारा गाड़ी मिली थी, पर अभी आप देख सकते हो इसमें खतरनाक दो दो गन है।
इसमें भी एक गन है और ये कितनी पावरफुल है और ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ी है यार। कौन सी लू? हाँ हेलो, क्या हुआ मेरा बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सर क्या हो गया? सोल्जर, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ बताओ सर। मुझे अभी पता चला कि मेरा बेटा किडनैप हो चुका है। तो मैं उसको बचाना पड़ेगा सोल्जर। क्या आपका बेटा? सर आप टेंशन मत लो, मैं उसको बचा लूंगा। सोल्जर कुछ भी करो, उसको बचा के लेके आओ। सर आप टेंशन मत लो, मैं अभी के भी जाता हूँ और उसको बचा के आता हूँ। तो कहा सर, फटाफट से बड़े टायर वाली व्हीकल के अंदर बैठते हैं और हमारे सर के बच्चे को बचाते हैं। जिसने भी उसको किडनैप किया है मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे कैसे भी करके हमारे सर के बेटे को बचाना पड़ेगा। तो कैसर अभी मैंने उस लोकेशन का पता लगा लिया जहाँ पर उन लोगों ने हमारे सर के बच्चे को छुपा के रखा है और अभी मैं वहाँ पर आ भी चुका हूँ। आप देखो सामने मुझे लोग ऑलरेडी दिखाई देने लग चुके हैं। चुपचाप से यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर सही में बहुत ही सारे लोग हैं। मैंने सोचा 4-5 लोग होंगे पर बहुत सारे लोग हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रुक जाओ, यहाँ पर सीढ़ियां हैं। मैं सोच रहा हूँ एक को मार के ऊपर जाने की। ये स्टन गन है जो कि इसको बेहोश करने वाली है। और ये क्या, जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं। सब लोग उधर ध्यान देंगे जब तक मैं पूरा का पूरा ऊपर चढ़ जाऊंगा और मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। फटाफट से ऊपर चढ़ जाते हैं इस बिल्डिंग पर। फिर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के बाद मुझे ज्यादा अच्छी तरह सबका सब दिखने वाला है और अभी हम ऊपर भी आ चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हो नीचे कितने सारे लोग हैं और वो मुझे दिख चुका है। वो हमारे सर का बच्चा वहाँ पर उसको यार नीचे बिठा रखा है। मुझे उसको कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। चलो यहाँ से नीचे जाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ पाइप दिख रहे हैं नीचे जाने के लिए, तो मैं इधर से जाऊंगा। बच गया। कोई यहाँ पर है नहीं, किसी ने मेरे को देखा भी नहीं। अभी पर यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख सकते हो सारे के सारे लोग यहाँ पर नीचे खड़े हैं और वो है बच्चा जिसको हमें कैसे भी करके बचाना है। तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं एक एक करके इन लोगों को मारने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर मैं स्मोक बॉम्ब यूज करने वाला हूँ ताकि इनको दिखने में थोड़ी सी परेशानी हो और फिर मैं इनको आराम से मार पाऊँ। तो हर जगह स्मोक बॉम्ब फैला देते हैं, यहाँ पर भी फेंक देते हैं, यहाँ पर भी, और अपनी स्टन गन निकालेंगे ताकि किसी को पता भी न चले। और फटाफट से अपनी गन निकाल दे और इन सबको मारना शुरू कर दे, इनको कुछ दिखाई नहीं देगा। और मुझे और भी स्मोक्स बॉम्ब है और मुझे स्मोक बॉम्ब फेंकते रहने चाहिए ताकि इनको बिल्कुल भी दिखाई ना दे और मैं इन सबको मार दूं। ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू हो चुके हैं। यही टाइम में अपनी मिनी गन निकालने का और इन सबको खत्म करने का। ये लो। अरे ये क्या हो रहा है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे सब लोग कहाँ चले गए? और कैसे मैंने यहाँ पे सबको लगभग मार दिए। एक तो जने बचे इनको फटाफट से मार देते हैं। बच्चे खड़ा हो जा, मैं तुझे बचाने आ चुका हूँ। अंकल आप कौन हो? तेरे पापा ने मुझे भेजा है, आजा मेरे पीछे पीछे, देखो कोई कुछ नहीं करेगा। चलो कैसे बच्चे को फटाफट से यहाँ से लेके चलते। और यहाँ पर और भी सिक्योरिटी और भी ये सारे सारे गुंडे मुझे दिखाई दे रहे। ये लोग सबको खत्म कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बच्चे तू डर मत, मैं तुझे आराम से सभी से बचा लूंगा। और कोई है तो ना, ये गाड़ी किसकी है? इसको मैं ब्लास्ट करने वाला हूं, पता नहीं किसकी गाड़ी है। आजा बच्चे जल्दी जल्दी बैठ जा, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो कहे सर अभी मैंने इस बच्चे को अपने साथ बिठा लिया है और मैं इनको लेके जा रहा हूँ सीधा हमारे ऑफिसर के पास। और हमने इस बच्चे को भी बचा लिया है। वहां पर बहुत सारे लोग थे पर मैंने बिल्कुल चालाकी से एक खतरनाक मिलिट्री ऑफिसर बन के इस बच्चे को बचा लिया है। चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं। तो कहे सर अभी हमारे सर को उनका बच्चा वापस मिल चुका है। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मेरा बच्चा वापस आ गया। फ्रैंकलिन तुम एक बहुत ही खतरनाक मिलिट्री ऑफिसर हो। अब मेरे पास तुमको और कोई मिलिट्री की गाड़ियां देने के लिए नहीं है। क्या बस? पर मुझे तो मिलिट्री टैंक चाहिए था। मिलेगा, तुम्हें मिलिट्री टैंक भी मिलेगा पर उसके लिए तुम्हें एक दूसरा चैलेंज करना पड़ेगा। ये चैलेंज है स्पेशल मिलिट्री चैलेंज, उसमें जो भी जीतता है उसको मिलती है सारी की सारी मिलिट्री की व्हीकल्स। तुम टैंक यूज कर सकते हो, जेट यूज कर सकते हो, जो चाहे यूज कर सकते हो। क्या तुम उस चैलेंज में जाना चाहोगे? हाँ, मैं उस चैलेंज में जाना चाहूंगा। तो चलो फ्रैंकलिन, मैं तुमको उस चैलेंज में लेके चलता हूँ। अगर तुम जीते तो तुम मेरी जगह ले सकते हो और पूरे मिलिट्री बेस के हेड बन सकते हो। क्या तुम तैयार हो? यस सर, मैं तैयार हूँ। हेलो ऑफिसर्स, तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से मिलिट्री चैलेंज में। इस चैलेंज में जो जीतने वाला है वो नया मिलिट्री बेस का हेड बनने वाला है। मैं रिटायर हो जाऊंगा और वो बन जाएगा हेड। तो मैं बता रहा हूँ तुमको इस चैलेंज में करना क्या है। तुम दोनों हो ऑफिसर्स और इस चैलेंज में तुमको जीतना पड़ेगा। अपनी गाड़ियों को फुल स्पीड में भगाते हुए जाना है। इस ब्रिज पर चढ़ा
जाके इस टायर में से निकल के फिर इन दोनों में से किसी टायर में से निकल के जाना है सीधा फिनिशिंग लाइन पर। चैलेंज बहुत ही इजी है। अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है तो तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है और जो भी जीतेगा उसको मिलने वाला ये खतरनाक सा मिलिट्री टैंक। तो अगर चाहिए तुम्हें प्रमोशन और बनना चाहते हो मिलिट्री के हेड तो तुम्हें ये कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मनीष तुम जाओगे। ओके सर। फ्रैंकलिन, अगर मनीष ने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें घर जाना पड़ेगा, फिर तुम मिलिट्री ऑफिसर की जॉब से हट जाओगे। क्या? अरे ये क्या बात हुई? तो कैसर, अब ये मनीष आप देख सकते हो फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हुए जा रहा है। अगर ये फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया तो मेरी मिलिट्री की जॉब चली जाएगी और मेरा वो मिलिट्री का टैंक पाने का सपना ही रहने वाला है। और ये मनीष ने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा लिया और ये जा रहा है। क्या ये फिनिशिंग लाइन पे जा पाएगा? मुझे नहीं लगता। और ये टायर से टकराया, कहां जा रहा है? मैं जीत के रहूंगा। और ये मनीष तो सीधा बाहर निकल चुका है। नहीं नहीं, मैं बहुत ही पास हूँ, मैं अभी भी जा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है, एक ही बार ये पहुँचना था। नहीं नहीं नहीं, मैं जाके रहूंगा, ये मैं आ गया फिनिशिंग लाइन पे, मैंने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मनीष बहुत ही ज्यादा पास पहुंचा था। अगर तुम उस फिनिशिंग लाइन के अंदर से नहीं जाते तो तुम ये चैलेंज हार जाओगे और तुम मिलिट्री ऑफिसर नहीं बन पाओगे। सर आप टेंशन मत लो, मैं ये चैलेंज कैसे भी करके जीत के रहूंगा और उसके लिए मैं ये खतरनाक सी मिलिट्री वाली गाड़ी भी यूज करने वाला हूँ। चलो फटाफट से चलते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। तो कहे सर, अगर आप चाहते हो मैं बन जाऊँ दुनिया का सबसे खतरनाक मिलिट्री ऑफिसर तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ सीधा फिनिशिंग लाइन पे। अपनी गाड़ी को यहाँ से खुदा लिया है और अभी हम जाने वाले इस टायर के अंदर से सीधा का सीधा फिनिशिंग लाइन पे। और काइजर अब आ गए, क्या ही लैंडिंग करी है, हट जा सबके सब, मैं जीत गया। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन ऑफिसर, तुम ये चैलेंज जीत चुके हो और ये मिलिट्री टैंक भी, और आज से तुम बनते हो लॉस सैंटोस के मिलिट्री के हेड। सारी की सारी मिलिट्री तुम्हारी बात सुनेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काइजर, आखिरकार मैं ये खतरनाक सा मिलिट्री टैंक जीत चुका हूँ और मैं लॉस सैंटोस के मिलिट्री का हेड भी बन चुका हूँ। और आप देख सकते हो मैं यही तो चाहता था, खतरनाक मिसाइलों से पूरे की पूरी ब्लास्ट करना, कितना ज्यादा खतरनाक है ये, बूम। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया और मैं बन चुका हूँ मिलिट्री ऑफिसर और मुझे मिलिट्री की सारी गाड़ियां भी मिल चुकी है, बस यही तो चाहिए था। तो गाइस आज की वीडियो से भी इतना ही। अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दूं, ये मिलिट्री का टैंक सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सबको उड़ा दूंगा। तो गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन फॉलो करना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।